हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसा टॉपिक सॉल्व करने वाले हैं जो कि बहुत इजी है और हम इसमें मार्क्स भी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैट एग्ज़ाम में टाइम एंड वर्क टॉपिक से 6 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम ट्राई करके देखते हैं। ओके, अनिल कैन डू अ जॉब इन 20 डेज वाइल सुनील कैन डू इट इन 40 डेज। अनिल स्टार्ट द जॉब एंड आफ्टर 3 डेज सुनील ज्वाइंस हिम। अगेन आफ्टर फ्यू मोर डेज बिमल ज्वाइंस देम एंड दे टुगेदर फिनिश द जॉब। इफ बिमल हैज डन 10% ऑफ द जॉब देन इन हाउ मेनी डेज वॉज द जॉब डन। ये क्वेश्चन कैट 2019 का क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है अनिल एक जॉब 20 दिन में करता है और उसी जॉब को सुनील 40 दिन में करता है। अनिल ने काम को चालू किया और 3 दिन बाद सुनील उसको ज्वाइन करता है और कुछ दिनों बाद उसी काम में बिमल उनको ज्वाइन करता है और तीनों मिलके काम कंप्लीट करते हैं। इसमें बिमल ने 10% जॉब किया है। हमें पता करना है कि टोटल काम कितने दिनों में हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। अनिल कितने दिन में काम कर सकता है? अनिल कर सकता है 20 दिन में, ठीक है। और सुनील कितने दिन में करेगा? सुनील करेगा 40 दिन में, ठीक है। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 40 का एलसीएम होता है 40। ओके, तो 20 से अगर 40 को डिवाइड करते हैं तो आता है 2, और 40 से 40 को करते हैं तो 1 आता है। ओके, तो 40 क्या है? टोटल वर्क यूनिट है, ठीक है। तो 40 40 यूनिट्स। ओके, और 2 क्या है? 2 ए ने काम किया है 1 दिन में, तो 2 यूनिट्स 1 दिन का। एस का सुनील का 1 यूनिट 1 दिन का, ठीक है। काम को चालू अनिल करता है, तो अनिल 3 दिन में कितना काम करेगा? अनिल 3 दिन में 6 यूनिट्स काम करेगा। ए इज इक्वल टू 3 दिन में 6 यूनिट्स, ठीक है। और लास्ट में बताया गया है बिमल ने 10% काम किया है, तो 40 का 10% होता है 4 यूनिट्स, तो बिमल 4 यूनिट्स। ओके, टोटल वर्क यूनिट्स हमारे पास हैं 40, ठीक है। तो 40 में से 6 गया, 4 गया, कितना बचा? 30। तो 30 डिवाइड बाई 2 एंड 1, क्योंकि इन दोनों ने लास्ट में काम किया है अकेले, तो 2+1 इज इक्वल टू 3। तो 30/3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10 डेज, ओके। ये दोनों मिलके 10 दिन में काम कंप्लीट करेंगे, और पहले 3 दिन ए ने अकेले काम किया था, तो होता कितना है? 10+3, तो टोटल वर्क डे हो गया 13 डेज, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ राइट।